पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप कहना क्या चाहेंगे, कितने खुश हैं कि आपकी कंपनी के अंदर ये बना है? शोले एक बहुत ही आइकॉनिक फिल्म है इंडियन सिनेमा की, और मैं बहुत खुशी है कि हमारा मानना है कि हिंदी जो है वो एंटरटेनमेंट मीडिया का फंक्शन है, फिर उसका फंक्शन एक काम और एक एडवांस्ड एक्सपीरियंस जो 3D का होता है, 3D में कन्वर्ट करने के लिए, और क्योंकि 40 साल पुरानी फिल्म है और ये ऊपर से 3.5 घंटे की फिल्म है, तो उसको 3D में कन्वर्ट किया, 2,85,000 से ज़्यादा फ्रेम्स इसके अंदर हैं। कर्मत सर नीचे राइट, एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पे सर तुमसे एक पिक्चर है, मुझे सोचना तुमसे एक पिक्चर मतलब सिंगल सर आई वाले आगे आ रहे हैं। कितने आदमी थे? अरे शोले की यादें तो मेरे पास एक ही है, एक हफ्ते की शूटिंग में जो घोड़ी ने मुझे 6 बार देखा था, बस बाकी तो मज़ा हुआ। द पिक्चर वॉज अ ग्रेट हिट और 40 साल अभी तक सफ़र कर रहा हूँ कि विजू कोटे कम लोग जानते हैं, कालिया को जानते हैं, ऑटोग्राफ लेने वाले आते हैं पूछते हैं सर आपका नाम क्या है, बट दैट्स जो हिट है सो हिट है, कुछ कह नहीं सकता, इट इज़ अ सुपर हिट। 3D फिल्म देखी आपने? 3D देखी, बहुत अच्छे इफेक्ट, बहुत ही अच्छे इफेक्ट, मतलब इट लुक्स लाइक अ फॉरेन मूवी। सर्जियो लियोन वगैरह के जो एक्टर्स आते थे ना, फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स, सॉरी, लेकिन 3D के इफेक्ट्स इतने आते हैं, यू कैन सी द डेप्थ ऑफ पूरा रामगढ़ एंड एवरीथिंग। सर जब आपको फर्स्ट टाइम पता चला कि ये फिल्म 3D बनने वाली है, तब आपका रिएक्शन क्या था, क्या सोचा आपने, क्या 3D बन के सोचा? उस वक्त मैं बात बताऊँ, सिप्पी वाले कोई नहीं ना फर्स्ट में, मुझे ऐसे लगा था कि यार 40 साल होते हैं लोगों तक इतनी पहुंची है पिक्चर, अब ये 3D में और क्या पहुंचाएंगे? लेकिन सर पहुंचेगी, जब मैंने देखी 3D वर्जन, नया जनरेशन आएगा ये देखने के लिए कि भाई हमारे चाचा पिताजी ये वगैरह क्या बोलते थे, शोले शोले क्या है, अब थिएटर में देखते हैं, उन्होंने तो TV पे देखी होगी, और जो बुड्ढे हैं जिन्होंने देखे पहले हमारे ज़माने के, वो कहेंगे एक बार और देखते हैं, देखेंगे उस वक्त शायद प्लेन देखी 2D में, अभी 3D देखते हैं, तो मेरा ख्याल है वी शुड हैव अ गुड हिट। एक रूमर थी, एक कहानी ये सब थी, मतलब कि उस दौर में गब्बर जी की आवाज़ को चेंज किया गया, फिल्म फ्लॉप रही 2 हफ्ते उसके बाद। नहीं नहीं, अमजद की आवाज़ है, हाँ डायरेक्ट अमजद की, पहले ऐसा कि पहले उनको लगा ये ठीक नहीं लगेगी, लेकिन रमेश सिप्पी से नो आई वॉन्ट हिम, कई एक दो लोग थे जिनको लगा कि ये
विलन के लिए आवाज़ के लिए मुझे अमित अपना अमरीश जी की भारी आवाज़ वगैरह नहीं है, उसके हंस की आवाज़ थी, बट सब रमेश जी ने कहा नो आई वॉन्ट दिस वॉइस और स्टक टू दैट। क्या करेंगे, यू हैव टू मूव ऑन, मिस तो ज़रूर करें आज ज़्यादा। जी जी सर, सारे किरदार फेमस थे फिल्म के, जैसे बट आपके लिए कौन सा किरदार काफ़ी रास आपको अच्छा? मैं कहूँ सालों के बाद मैंने फिर पिक्चर देखी, मैंने जब लगी थी मिनरवा में पहले 2-3 महीनों में 2 बार देखी थिएटर में, उसके बाद 40 साल में नहीं देखी, जो टीवी पे सीन आता था उतना देखता था चले जाता। कल मैंने पूरी देखी, अमजद हैज ट्रेमेंडस, नॉट फर्स्ट अटेम्प्ट, उसने पहले काम किया हुआ है, आई हैव वर्क विद हिम ऑन स्टेज ऑल्सो, लेकिन इसमें जो उसने परफॉर्मेंस दिया है सुपरलेटिव परफॉर्मेंस। आज के नौजवान जो हीरो उनमें किसी में आपको झलक दिखाई देती है? मैं कुछ ना कहूँ तो बेटर है, अदरवाइज आई विल बी हर्टिंग समबडी और द अदर। ओके सर, थैंक यू। और हमने सबटाइटल्स किससे किया ना, ये अमित इज, हैव यू मेट अमित द राइटर ऑफ डॉन, ही डिड माय सबटाइटल्स फॉर शोले, आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, ही विल स्पीक इन हिंदी, वेयर इज अमित, ओके अमित नो आई डोंट, वेयर इज अमित, अमित कैन स्पीक इन हिंदी एंड आई विल स्पीक इन इंग्लिश एंड ही कैन डू सबटाइटल्स इन हिंदी। 40 साल 3D कैसे कल्पना आई है कि शोले 3D बनाएंगे? वेल वी वर ऑलवेज लुकिंग फॉर अ वे to present Sholay to the new generation, we had to do something which was very, very gripping, something that would take the new generation attention. So a friend of ours suggested that Avatar was being made, why don't you make Sholay in 3D? We thought about it, it's the biggest action film in India, and even though it's made 38 years ago, we think we can do it. Sholay jo hai wo India ki sabse badi film hai, उसे एक नए जनरेशन के लिए कैसे प्रेजेंट करना, ये इसके बारे में इन लोगों ने सोचा था। अवतार बन रही थी जो 3D में थी, तब इनके दोस्त ने उनको एक छोटी सी एडवाइस दी कि शोले इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म है, व्हाई नॉट, क्यों ना उसे 3D में बनाया जाए। तो उनकी अटेम्प्ट यही थी कि उसे इस तरह से ग्रिपिंग बनाया जाए, नई जनरेशन को अट्रैक्ट करने के लिए वो एलिमेंट्स डाले जाए, जैसे 3D, एक नया साउंड ट्रीटमेंट वगैरह, जिसकी वजह से आज की जनरेशन के लिए एक एक वही चीज़ एक नए अवतार में प्रेजेंट हो। कितना वक्त लगा इस करने में या क्या कितना वक्त लगा इस करने में? इट्स फ्रॉम द डे वी स्टार्टेड टू टुडे, इट्स एग्जैक्टली 3 years। शुरू किया तब से लेकर आज तक एग्जैक्टली 3 साल हुए। क्या क्या चेंजेस किए आपने? अच्छा लगा ना ये? कितना वक्त, सॉरी, we've added, we've re-recorded the entire sound, we have recolorized the film, we've upgraded the film to HD, converted it to 3D, it's pura sound dobara se kiya।